हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, देखो आप क्या दो गाड़ियों के बीच में से बाइक निकालते हो हल्की सी भी अगर जगह मिल जाए तो। भाई मैं भी ऐसा करता हूँ लेकिन बहुत रिस्क रहता है। अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ, एक ऑटो चल रहा था मेरे लेफ्ट में और राइट साइड में एक कार, और जस्ट उसके आगे डिवाइडर था, तो उसको जाना था डिवाइडर से राइट की तरफ और डिवाइडर के लेफ्ट में सामने पुल था। तो भाई जो उसके पीछे चल रहा था तो उसने देख लिया कि आगे वाले ने इंडिकेटर दिया, अब वो मतलब पुल पे ना चढ़ के डिवाइडर से राइट लेगा, और मैं था ऑटो के जस्ट बगल में। तो भाई पीछे वाले ने एकदम से लेफ्ट कर दिया, मतलब ये नहीं देखा, मतलब उसने क्या किया, क्योंकि आगे वाली कार को राइट जाना था तो उसने सोचा अब मैं लेफ्ट कर लेता हूँ, मुझे तो पुल पे जाना है, तो एकदम से उसने लेफ्ट कर दिया और मैं ऑटो के बगल में, ना मैं इधर जा पाऊँ, और बिल्कुल बच गया, बिल्कुल पैरों पर लगती उसकी उसकी कार बिल्कुल मेरे पैरों को टच करने ही वाली थी, लेकिन मतलब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन बिल्कुल बगल से, बिल्कुल हल्के से मार्जिन से, बहुत हल्का सा ही मार्जिन था और बगल से निकली यार बिल्कुल। मैंने कहा भाई आज तो पैर गया था। देखो एक हमेशा रिस्क रहता है दो कारों के बीच से अगर आप निकल रहे हो तो, भाई अगर हल्का सा भी किसी, देखो लेफ्ट वाले ने राइट कर दी और राइट वाले ने लेफ्ट, तो भाई फंस तो जाओगे ना, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है निकलने की। तो करते तो बहुत लोग हैं यार, लेकिन ज़रा देख के करना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्क रहता है, इंजरी हो सकती है काफ़ी यार। तो देखो दो गाड़ियों के बीच में थोड़ा बहुत गैप भी होता है, तो भाई ज़रा सोच समझ के ही उसको क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि हल्का सा भी किसी ने इधर उधर कर दिया आप तो बीच में फंसोगे ही, वो तो पक्की ही बात है, क्योंकि कोई जगह नहीं होगी भाई निकलने की, पैर जाएगा और पैर का कोई ऐसा प्रोटेक्शन है नहीं। तो बहुत सोच समझ के मैंने भी किया, ऐसा नहीं कि भाई मैं सिर्फ ज्ञान ही दे रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली हुआ तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा ये बताना ज़रूरी है भाई। तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो कभी कभी तो मतलब ऐसा लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है, और वही चीज़ें कई बार कई रिस्क भी क्रिएट कर देती हैं। तो भाई टेक केयर, एन्जॉय जर्नी, हैव अ नाइस डे, एन्जॉय, गुड बाय।